फाइव टिप्स टू क्लियर सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 100+ मार्क्स गेन किए थे, तो यहाँ पे मैं आज आपको पांच तरीके या पांच टिप्स देने वाली हूँ जिनसे आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। पहला है प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। देखिए, आपको बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको सीटेट का जो सिलेबस है उसे देखना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी प्रिपरेशन अलग से नहीं करनी है। स्मार्ट वर्क करना है आपको, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखने चाहिए, जो इसके पहले ऑनलाइन वाले पेपर हुए हैं स्पेशली, उनको जरूर से सॉल्व करके देखिए। इस चैनल पर भी मैंने ऑनलाइन के पेपर्स कई सारे करवा के रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं। गो थ्रू द थियोरी। अब क्या करना है आपको, पहले आपने प्रीवियस ईयर पेपर किया, अब उसके बाद आपको जहां पे भी प्रॉब्लम लग रही है जिस भी एरिया में, वहां पे आप थ्योरी जाके देखिए। जैसे कि आपको ईवीएस के किसी पर्टिकुलर चैप्टर में या पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो वहां पे जाके और उसके आसपास की थ्योरी आप देखेंगे, तो नेक्स्ट पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो वो एरिया आपका कवर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्मार्टली वर्क करना। शॉर्ट नोट्स बनाइए, और मेरे चैनल पर भी शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, ईवीएस शॉर्ट नोट्स बाय प्रगति मिश्रा भी आप डालेंगे तब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने पूरा ईवीएस करा के रखा हुआ है, आपको उसके अलावा ईवीएस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उतना अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए काफी होगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स टाइप से भी दिए हुए हैं, पूरी एनसीईआरटी 3rd, 4th, 5th की मैंने करा के रखी है, उसको आप डबल स्पीड पे करके फटाफट से गो थ्रू कर सकते हैं। और छोटे छोटे नोट्स बना के जरूर रखिए, जो एग्जाम से पहले आप देख के चले जाएं और बस आपका रिवीजन हो जाए। एरियाज ऑफ फोकस क्या होना चाहिए आपका, मैथ्स एंड इंग्लिश। जैसे मैथ्स है तो बहुत लोगों की मैथ्स वीक होती है, वो काफी टफ क्वेश्चंस करने में लग जाते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। मैथ्स में आपको पता है कि पेडागोजी के 15 मार्क्स होंगे और 15 मार्क्स आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस इतने ज्यादा टफ नहीं आते हैं कि आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, एक दो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप करेंगे तो मैथ्स के आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए बार बार, जिससे उतने क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। आपको पूरी मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर पेपर से आप मैथ्स को कवर करिए। सेकंड है इंग्लिश। इंग्लिश में आप देखते होंगे कि वो जो पैराग्राफ वाला एरिया होता है काफी बड़ा आता है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, आपको डेली मॉक टेस्ट नहीं देना है, आप 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसकी अच्छे से एनालिसिस करिए कि आपने क्या क्या चीजें गलत की हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, इन ये दो चीजों पर काम करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट के थ्रू आप इस पे कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप हमेशा सही कर ले रहे हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि सीटेट का पेपर लेंथी होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर बिफोर एग्जाम्स। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, जैसे मान लीजिए सीडीपी है, तो मैंने कई सारे सीडीपी के आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे आपको कई सारे मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन देखिए और फटाफट से उसका आंसर देखिए, फिर आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन आंसर इस तरीके से देखिए, फिर चार चार ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। ये पेपर के एक दिन पहले, दो दिन पहले की टिप मैं आपको दे रही हूँ। मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करने वाली हूँ जिनमें आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिल जाएंगे और आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी आपके सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए। अगर इस बार आपका टारगेट सीटेट एग्जाम में 125+ मार्क्स लाने का है, तो आपकी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इधर उधर के नोट्स बहुत ज्यादा देखने के बजाय आपको कुछ चीजों पर स्टिक हो जाना चाहिए और आपको सीरियस हो जाना चाहिए। अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने स्पेशली ये बुक्स सीटेट के लिए प्रिपेयर की हैं, जिनमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें देखने को मिलेंगी, एनसीईआरटी बेस्ड होंगी और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इतनी सारी बुक्स देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारी बुक्स आपको नहीं परचेज करनी है। अगर आपको लगता है तैयारी ठीक ठाक है, तो आप ये संपूर्ण गाइड बुक ले लीजिए, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट की थ्योरी मिल जाएगी। लास्ट मंथ में आपको प्रैक्टिस सेट लेने चाहिए, जिससे आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सको और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो पाए, आप एनालिसिस कर पाए पेपर। अगर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, तो आप सॉल्व पेपर्स ले सकते हो, इसमें आपको 20 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, या आप चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप वीक हैं, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी सीडीपी वीक है या मैथ्स वीक है, तो पर्टिकुलर उस बुक को जाके आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो examcard.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं। इन सभी बुक्स को परचेस करने के लिए कोड यूज कर सकते हैं सीटेट गर्ल 10,
10% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको ये सारी बुक्स अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी है तो एग्जाम कार्ड का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए इस चैनल की। और भी ज्यादा टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।